जर्नी डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रही है, बिकॉज जब हम बाहर होते हैं तो आम दुनिया में आपको हर कदम पे कोई जानबूझ के बातें नहीं सुनाता आपको डिमीन करने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए। मैंने जो भी किया उस घर में वो फेक ही कहा गया, चाहे वो लोगों के लिए खाना बनाना हो, चाहे वो किसी को जाके एक सपोर्ट देने की कोशिश करना हो, हर बार यही बोला गया कि ये फेक है, ये इसकी स्ट्रैटेजी है, व्हाटएवर। तो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है मेरा। एक ही कहीं ना कहीं मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि मैं जिस तरह से हूँ मैं अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखूँगी, मुझे जैसा जिस चीज़ पे दिल से सही लगता है मैं वैसे रिएक्ट करूँगी, और घर वालों को कुछ प्रूव करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरी ऑडियंस डेफिनेटली समझेंगी एट द एंड ऑफ 3 months, एंड वो हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट। यस बिल्कुल, एंड इससे बड़ा जवाब मैं किसी को नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैं इसका जितना अपने दर्शकों को थैंक यू बोलूँ उतना कम है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द जर्नी ये मेरे लिए सिर्फ बिग बॉस जीतने से ज़्यादा एक खुद को एज अ पर्सनैलिटी साबित करना भी हो गया था, और चाहे वो घर के अंदर हो चाहे वो घर के बाहर हो, जो हर जगह एक जो एक्यूजेशंस मेरे पे लग रहे थे वो चीज़ प्रूव करना बहुत ज़रूरी था, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर शावरिंग ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट ऑन मी। जी इस बार क्या सबसे डिफिकल्ट क्या लगा था, कौन सा क्या था जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था आपके लिए? आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था कि मैं क्योंकि मैंने एज अ सेलिब्रिटी एंटर किया तो जो भी मैं कर रही थी उससे फेक बोला जा रहा था, एंड एक समय पे बोलते थे कि ये घर में सबसे वीक सदस्य है, लेकिन जब किसी टास्क में बाहर निकालने की बात आती थी तो सबसे पहले मैं ही मिलती थी, सो आई समहाउ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी कि मैं घर में जो भी कर रही थी उसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था, एंड बाद में उसी तरह से मुझे बोला जाता था कि आप किसी के साथ मिलती नहीं हो, आप किसी के साथ बात नहीं करती हो, अगर मैं आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रही हूँ 2 दिन बाद आप उस पर सवाल उठा रहे हो तो मैं बार बार वो क्यों करूँगी अपने आप को बेइज्जत करवाने के लिए। सो ये जो मुझ पर कंटिन्यूसली एज अ पर्सनैलिटी जो मुझ पर सवाल उठाए जा रहे थे, दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। मैं आई हैव नो क्लू वाई शिल्पा इज सो अपसेट विथ मी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ठीक है, आई रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब कोई भी कुछ भी चीज़ आप अचीव करते हो तो देर इज़ अ सेक्शन ऑफ पीपल जो आपके साथ होते हैं, जो आपके फेवर में होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन देर इज़ डेफिनेटली अ सेकेंड ओपिनियन फॉर एवरीबडी। सो शायद वो उनका ओपिनियन है कि उन्हें मैं फेक लगती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये 12th सीज़न है बिग बॉस का, एंड हर सीज़न में जब ऑडियंस वोट करती हैं एंड तो उन्हें पता है कि वो किसे जिता रही हैं। अगर मैं 3.5 months फेक करके सर्वाइव की हूँ और मेरे ऑडियंस को ये बात पता नहीं चली है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड मैं कल से जितने लोगों से मिल रही हूँ वो भी मुझे बार बार कह रहे हैं वी रियली वॉन्टेड कि आप जीतो, आपने बहुत डिग्निफाइड वे में ये गेम खेला, एक्सक्यूज मी, आप बहुत ग्रेसफुल थी अपनी जर्नी में। तो अगर इतने सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो आई एम श्योर दैट द मेजोरिटी इज अंडरस्टूड वॉट आई वॉन्टेड टू शो, आई वॉज रियल इन द शो एंटायरली, एंड दैट्स द रीज़न दिस इज with me। Recently हमने ये भी देखा था कि अर्शी खान ने कहा था that Bigg Boss 12 is fixed and that is why Dipika Kakar will be the winner। Okay, really? अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं झलक की भी विनर होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सीजन जब झलक का चल रहा था तब तो मैं शो कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस में कुछ भी फिक्स्ड हो सकता है, क्योंकि आप एक कैमरा के नीचे 24/7 हो फॉर 105 days एंड जनता आपको जज कर रही है, तो देर इज नो वे ऑफ बिग बॉस बींग फिक्स्ड, आई डोंट थिंक सो, एंड आई एम श्योर माई ऑडियंस विल अग्री विथ मी, एंड बाकी वो उनका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा दीपिका, हमने देखा था कि भुवनेश्वरी जी का जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने ये चीज़ जाहिर की कि उन्हें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें समझ में आ रही है कि श्रीसंत का फैंडम बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो जीते
तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इन बातों को, तो आप मिली थी उनसे? तो जी बिल्कुल, मैं मिली थी, मैं बिल्कुल उनसे मिली थी. ऑफ कोर्स हम दोनों स्टेज पे ही थे, भाई और मैं इन द टॉप टू, एंड मैं उनको मिली और उन्होंने बहुत वार्मली मुझे हग करके मुझे कंग्रेचुलेट किया. मैं उनके बच्चों से भी मिली, क्योंकि मैं जब घर में भाई के साथ थी तो मैंने बहुत उनके बच्चों के बारे में बहुत बातें हमने की हैं. तो डेफिनेटली मैंने, हमारा इक्वेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो उनका एक ओपिनियन है जो वो वॉइस आउट कर रही हैं, एंड शी हैज़ ऑल द राइट टू डू दैट, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि मैं जो चीज़ प्रूव करना चाहती थी, मेरी ऑनेस्टी जो मैं प्रूव करना चाहती थी, वो मेरी ऑडियंस समझी है, एंड आई एम हियर. कुछ टिप्स मिली नहीं. मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि अगर घर में कोई टॉप टू होने चाहिए तो वो मैं और भाई होने चाहिए, और ये चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली वॉइस आउट भी की थी जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें, जब हम टॉप फाइव बैठे हुए थे. मैंने ये बहुत कॉन्फिडेंटली वॉइस आउट किया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि पूरी जर्नी में अगर कोई दो लोग बिल्कुल रियल रहे हैं तो वो मैं और भाई ही रहे हैं. सो द फैक्ट दैट वी टू वर द वंस टू पुट ऑफ द लाइट एंड वॉक आउट एट द एंड वॉज द प्राउडेस्ट फॉर मी. उसके बाद हम ये तो जानते ही थे कि कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा फॉर श्योर. और मैंने उस वक्त भी भाई से, जब हम दो घर में वापस आए दीपक के जाने के बाद, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब जो भी जीतेगा जाहिर सी बात है जनता को उसकी जर्नी ज़्यादा पसंद आई, एंड वो हुआ. जी, आई थिंक रोमिल हैं जिनसे मैं डेफिनेटली बात भी नहीं करना चाहूँगी और मैं मिलना भी नहीं चाहूँगी. हाँ, सब खत्म हो गया है. बट कई बार ऐसा कोई होता है जिसके साथ आप क्लिक नहीं कर पाते हो, एंड आप एक वो बॉन्ड नहीं डेवलप कर पाते हो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस. सो मेरा रोमिल के साथ कभी कोई रैपो बन नहीं पाया, मैं उन कभी क्लिक नहीं कर पाई उनके साथ. तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि अगर वो मुझे दिख गए सामने तो मैं मुंह मोड़ के निकल जाऊंगी. हाय हेलो तक ठीक है, कहीं दिख गए तो उतना है रिस्पेक्ट, क्योंकि हम इतने दिन एक साथ रहे हैं एक घर में, लेकिन उससे ज़्यादा मैं सामने से होके कोई उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट नहीं रखती. घर में बहुत जोरों शोरों से आपको एंट्री मिली है ढोल नगाड़ों का, साथ ही साथ शोएब ने आपको बोल दिया. मैं आई थिंक इससे ज़्यादा मेरे लिए, ये मेरी फैमिली के लिए है, लेकिन इस मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड मुझे मिला है वो जो शोएब, सबा, अम्मी, पापा सबके चेहरे पे, सबकी आंखों में जो खुशी है, वो दैट इज़ माय बिगेस्ट अवार्ड. बिकॉज़ जिस तरह से शोएब और सबा, जब मैंने ट्रॉफी हाथ में ली एंड आई लुक्ड एट देम, शोएब वाज ऑन हिज नीज एंड सबा वाज क्राइंग, आई मीन आई कैन एक्चुअली विजुलाइज देम हियर. सो वो मेरी असली जीत है, बिकॉज जितना मैंने घर के अंदर रह के झेला है और कॉन्स्टेंटली मैंने एक बैटल लड़ी है, इक्वली उतना ही इन लोगों ने बाहर रह कर के मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया है, एंड दे हैव गॉन थ्रू द टर्मोइल बिकॉज दे कुड सी मी क्राइंग, ब्रेकिंग डाउन, फाइटिंग एवरीथिंग, एंड दे कुड डू नथिंग अबाउट इट. सो ये सिर्फ अकेले मेरी नहीं, हम सबकी कलेक्टिव जीत है, एंड जो फैंस मेरी पूरी फैमिली के साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं टू सपोर्ट मी, दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे टू शावर देयर सपोर्ट ऑन मी, ये हम सबकी जीत. सीख के सिर्फ इतना आई हूँ कि अपने आप पे यकीन रखना सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आप चाहे ज़िंदगी में कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चले जाओ, आप खुद पे एक यकीन रखो, खुद की ऑनेस्टी पे यकीन रखो, आई थिंक दैट मेक्स यू विन द टफेस्ट बैटल्स. और बिग बॉस की बहुत यादें हैं, आई थिंक वो घर ही ऐसा है, वो एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत है, वो 105 दिन का एक्सपीरियंस, कि हर एक चीज़ उस घर की बहुत खास हो जाती है. और डेफिनेटली मेरा और भाई का जो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे डेवलप हुआ है, वो एक चीज़ है जो मैं अपने साथ हमेशा ट्रेजर करूँगी. अच्छा, दीपिका श्रीशांत हमेशा अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन घर में भी उन्होंने यही कहा था कि दीपिका के ज़्यादा चांस है विन होने के लिए, बिकॉज शी इज़ द फेस ऑफ कलर. और कल भी उन्होंने इंटरव्यू में सीधा ऐसा बोला था कि शायद से दीपिका इसलिए विनर हुई क्योंकि वो कलर्स की फेस है.
नहीं, उस बात पे मैं उनसे उस वक्त भी नाराज हुई थी कि ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसा होता तो मैं झलक सीजन भी जीतती, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे लगता है बिग बॉस एक शो है जिस वेयर यू आर टू विन हार्ट्स, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मैंने अपने आप को घर में किस तरह से कंडक्ट किया है पूरी जर्नी में, जिस तरह से मैंने हर पड़ाव उसका पार किया है, अपना बेस्ट फुट फ्रंट रखा है जब भी मुझे मौका मिला है. और मुझे, मैं इस बारे में ना, मैं पहले इस बात से अग्री करती थी, मैं उस दिन भी मैं उनसे बहुत नाराजी थी, हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और मुझे भाई आके बाद में उन्होंने मुझे अच्छे से मनाया था, सॉरी बोला था, तो इस बात से मैं उस वक्त भी नाराज हुई थी उनसे, तो ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती. दीपक ने जो डिसीजन लिया, मैं उसके लिए उसे बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये उसे भी पता है. दीपक, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर द डिसीजन दैट यू हैव टेकन, बिकॉज उसने ये डिसीजन अपनी फैमिली के लिए लिया है, एंड हम सब काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. उसने एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया एंड ही हैड द गट्स टू से कि येस, आई एम टेकिंग दिस मनी फॉर माई फैमिली, फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग, एंड आई एम वॉकिंग आउट, एंड आई सल्यूट हिम फॉर दैट. आई थिंक ये घर ही ऐसा है कि इसमें आप जो कुछ भी कर लो उसको क्वेश्चन करना ही है लोगों ने, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, जो भी हो. जब लोग खाना बनाने को क्वेश्चन कर सकते हैं तो फिर वो किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं. इट्स जस्ट द गेम. सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद पीपल हु रेज्ड क्वेश्चंस. आई लव द पीपल हु सपोर्टेड मी, एंड एक्चुअली आई इवन लव द पीपल हु रेज्ड क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन यू आर शाइनिंग, और जब लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, so you shine higher and you shine brighter for, so thank you guys. So prize amount, mera sapna hai ki main ammi ke liye ek ghar khareedna chahti hu, to ye paisa wahan jayega, and the house hunt begins in the new year, so yeah. Thank you so much. Thank you guys. Happy New Year to all of y'all. Can I just quickly say something for my fans? Okay, guys, फिर से दिल से आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी. वहाँ पे एक बैटल जीत, कॉन्स्टेंटली एक चीज़ लड़ते रहना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे समझा है, और मुझे शोएब और सबा ने बताया कैसे आप लोग रात रात भर जग के, यू ऑल केप्ट वोटिंग फॉर मी, एंड यू ऑल यूज टू प्लान, एंड यू ऑल यूज टू मेक मी ट्रेंड, आप सब लोग. So all my fans, dil se thank you so much. Dip stars, I love y'all. Y'all have made me win this. Aap logo ne, main jo kar rahi thi usme apna belief kayam rakha. So this is for y'all also. Ye hum sab ki jeet hai. Thank you so much. God bless you all. Wish you a very, 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 very happy new year. Aur jaisa Shoaib hamesha kehte hain, aap hain to hum hain. So dil se thank you guys.